असेंबली जान चुके हैं कि हमें आपस में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया ना। शिया असेंबली को पाकिस्तान में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया है हमें। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया को, पाकिस्तानी उसके दुश्मन को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन है जो सिया असेंबली को लड़ा के अपने मकासिद पर पहुंच रहे हैं, ये कौन है जो जिन्हें मिले अलीम को मिला रहे हैं, ये कौन है जो जिन्हें असेंबली में जमहूरियत पर टाका डाल रहे हैं, ये कौन है असेंबली में भी शिया असेंबली लगाकर वहां पर हुकूमत करना चाहते हैं, ये कौन है जो असेंबली को ताला लगाकर चीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गिलगित बल्तिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और जिस तरह ये लोग सवालात पूछ रहे हैं, इंतहाई तशवीशनाक बात है। जो सवालात लोग रात की तारीकी में नहीं पूछ सकते थे, अब दिन के उजाले में पूछ रहे हैं। यानी ये लीडर जो आवाम के सामने खिताब कर रहा है, ये लोगों से पूछ रहा है कि वो कौन है जो यहाँ पर शिया सुनी को लड़ा कर यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं, ये कौन है जो शिया सुनी को लड़ा कर हमें कमज़ोर करके हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, ये कौन है जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर असम्बली में शिया सुनी को लड़ाकर यहाँ पर हुकूमत कायम करना चाहता है, और ये कौन है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के असम्बलियों को ताले लगाए और अपनी मर्जी की हुकूमत यहाँ पर कायम की। यानी लोग जान चुके हैं जो कुछ यहाँ पर किया गया, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया गया और एक मुंतखब शुदा हुकूमत को गिरा कर यहाँ पर अपनी मर्जी की एक कठपुतली हुकूमत बनाई गई। अब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन अब लोगों के लिए एक तबाही बन चुका है और लोग इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान में रचाया गया, उसके खिलाफ भी आवाम सड़कों पर हैं। आज़ाद कश्मीर के रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ भी आवाम सड़कों पर हैं और अब जीबी के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन जब भी जिस मुल्क में भी रचाया गया, वहाँ पर हालात तबाही की तरफ गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम के ऊपर रहम करे, इस मुल्क के ऊपर रहम करे और हमें जल्द अज जल्द इन जालिमों से निजात दिलाएं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात हैं, इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह जो ही कोई नई अपडेट आती है आपके साथ शेयर करेंगे। अगली व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।